बोलो भारत माता की जय। हमारे नगर के ऐतिहासिक रास मेले में जिसका 218वां वर्ष है, इस मेले में इस रात्रिकालीन हमेशा की तरह जो रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के और मध्य प्रदेश भर के पधारे सभी बंधुओं के लिए मेरे गोपाल भार्गव का प्रणाम है, सबको नमस्कार है, सबको राम राम है, जय राम जी। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और मंच पर उपस्थित ये सभी नृत्यांगनाएं जिनका आप सभी लोग नृत्य का आनंद ले रहे थे, सभी लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग बहुत ही शांति के साथ में, अनुशासन के साथ में ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं सभी के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। यह मेला, यह आयोजन, यह रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे नहीं है, बल्कि ये सब आपके हैं, आपका अपना है। मैं या मेरे सहयोगी जो मंच पर खड़े हैं ये सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, ये आयोजक हैं, सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इसके बाद 11 तारीख को बहुत बड़ा भव्य कन्यादान कार्यक्रम इस बार यहीं रास मेले से आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों जोड़े फेरे लेंगे, उनके लिए उपहार की सामग्री भेंट की जाएगी। कुल मिला के बीच के भी कार्यक्रम में उर्स इत्यादि के कार्यक्रम भी होंगे, अन्य कार्यक्रम भी रात्रि में आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रमों का आप लोग आनंद के साथ में लुत्फ लें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम मेरे नहीं बल्कि आप सभी लोगों के कार्यक्रम हैं। एक बार सभी लोग प्रेम के साथ में देखें, मेले की शान बढ़ाएं और किसी प्रकार की असावधानी न बरतें लौटने में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मेले का इतिहास रहा है कि किसी को खरोंच भी नहीं आई, कभी लाखों लोगों की भीड़ रही, कभी आज तक खरोंच नहीं आई किसी व्यक्ति को। तो इस कारण से हमें हमेशा बचना है, यहाँ भी और मार्ग में भी सब लोग संभल के जाएं। यही आप सभी दोनों से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपकी पूरी फैमिली आपकी राह घर पर देख रही है। आप सुरक्षित पहुँच जाएँ, यही गोपाल की सबसे बड़ी चिंता है। आप सलामत रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, सभी को बहुत नमस्कार है, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जित्तू भाई आए, एक बार ताली, बहुत धन्यवाद देखे हैं, एक बार ताली जित्तू के लिए। अब जित्तू जरा अच्छी फड़कती सी चीज सुना दो, चल चल हम बैठे हैं। अभी भैया ने जो बहुत अच्छी बात कही है कि यह कार्यक्रम आपके लिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे कांग्रेसी या विरोधी लोग इस मामले को बार बार उठाते हैं, लेकिन इस मामले को कोई भी कितना उठा ले, आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे, भैया बार बार कहते हैं कि वो कार्यक्रम होके रहेगा जो हमारी जनता चाहती है, जो हमारे परिवार के लोग चाहते हैं, आपके आनंद के लिए, आपके मनोरंजन के लिए और आपकी योजनाओं के लिए। जितेंद्र यादव एक 8 साल का बच्चा है, उनके माँ बाप यही स्टेज के पीछे, अगर किसी को मिला हो तो वो स्टेज के पीछे उसको लाएं। अब भैया कार्यक्रम शुरू करवा दें, भैया जित्तू भैया अच्छा कार्यक्रम आप शुरू करें। हे राखो सबके मान, अबे लो सब जने कहते कि जित्तू भैया मजा नहीं आ रहा हो, भैया काहे मूर्ति ने हो जब लो सिग्नल नहीं मिला काहे। ए राखो सबके मान और एक के भरोसे रहियो ना,
सबके मान, राखो सबके मान, राखो सबके मान, राखो सबके मान, और एक के भरोसे रहियो ना। राखो सबके मान, ए राखो सबके मान, एक के भरोसे रहियो ना।